जनपद चमोली के विकास खंड पोखरी में बामेश्वर खदेड़ चंद्रशिला नंदाकुंड सात दिवसीय किसान विकास मेले का मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए मेला लगने से भाईचारा बढ़ता है और इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी, ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी, मेला अध्यक्ष शिशुपाल वर्तवाल एवं पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत सहित तमाम लोग मौजूद रहे। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। मेला जो है विगत कई सालों से हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक श्री रायन सिंह भंडारी जी द्वारा इसे नंदाकुंड में लगाया जा रहा है। इस मेले से हमें इस इधर की जनता को ये फ़ायदा है कि दूर दराज तक आज से यहाँ तक गोचर को जाना पड़ता था, तब जाके लोग मेले का दर्शन करते थे और अपना जो खरीदारी करते थे दूर दराज में जाकर के खरीदारी। ये मेलों के लिए ठीक नहीं है, मेला जनता के हैं, मेले मिलन के लिए होते हैं, मेले विकास के लिए होते हैं और मेला निसंदेह रूप से एक विकास का पत्थर साबित हो सकते हैं अगर इसको राजनीतिकरण से दूर रखा जाए। विशेष करके ये पट्टी खदेड़ पट्टी, इसका बहुत बड़ा इतिहास है और इस पट्टी में स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भंडारी जैसे सपूत पैदा हुए हैं और हमारे आज श्रीधर आज मेले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से मेले हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, हमें एकजुट करते हैं, भाईचारे को बढ़ावा देते हैं और जो हमारी संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है उसको